फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो डॉलर का है उसको अकाउंट फॉर करने के बाद अगर ईमानदारी से यह सरकार चलती तो क्या रेट होना चाहिए था? अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो दाम घटे उसका बेनिफिट अगर यह सरकार आपको देती तो दिल्ली में पेट्रोल 39.76 रुपीस पर लीटर पे मिल रहा होता। ध्यान से सुन लीजिए, दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस माहौल में सरकार को जनता की जेब में ज्यादा पैसा देना चाहिए कि वो अपना घर चला सके, ना कि टैक्स बढ़ाकर जनता से वसूलना चाहिए। ये तो वो लीच की तरह है जो खून चूसे जा रहे हैं। राजनीतिक बात कम कर आंकड़े ज्यादा दिए आप लोगों को, और आप लोग ये छापिए दिखाइए कि ये सरकार जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत स्वागत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे विषय पे बुलाई गई है जो दिल्ली के और देश के हर व्यक्ति के खर्चे से जुड़ी हुई है। इस देश में केंद्र में बैठी सरकार मोदी सरकार ने बीते 6 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि आज वो दाम आसमान छू रहे हैं। और मैं आज जब इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था तो मैंने एक और चीज जो पढ़ी, जिसकी जानकारी ली, जो मैं आपसे साझा भी करना चाहूंगा, जो सुन के आपको अचंभा होगा कि आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसी सरकार के का कार्यकाल इस देश में चल रहा है जिसके अधीन आर्थिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि जहाज में डलने वाला फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सस्ता है और डीजल और पेट्रोल जो आपकी और हमारी गाड़ी, स्कूटर, बाइक में डलता है वो महंगा है। एविएशन फ्यूल इज चीपर देन दी पर लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। दिस इज अ रियलिटी। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पेट्रोल की कॉस्ट दिल्ली में 69.87 है पर लीटर, डीजल की कॉस्ट दिल्ली में 62.5 रुपीस पर लीटर है और एविएशन फ्यूल की कॉस्ट दिल्ली में 56.86 है। यानी कि पेट्रोल लगभग 70 रुपए पे, डीजल 62 रुपए के आसपास और एविएशन फ्यूल यानी कि जहाज में, एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है जिससे जहाज उड़ता है, उसकी कॉस्ट 56 रुपए है। आज मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई है जिसमें एविएशन फ्यूल, जहाज उड़ाना सस्ता है और अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर, अपनी बाइक चलाना महंगा हो गया है। अब बताइए यह सरकार अमीर के लिए काम करती है कि गरीब के लिए काम करती है? हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी 40 साल के चरम पर है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की जो दर है वो बीते 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और सबसे अधिक स्तर पर इस समय बनी हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हमारी इकॉनमी में सुस्ती आई हुई है, जो हम बार बार कहते हैं कि इकॉनमी एक स्लोडाउन के दौर से गुजर रही है, आर्थिक सुस्ती का एक माहौल है। और उसके साथ साथ करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है, इसके साथ साथ मोदी सरकार ने यह भी ठान लिया, बीजेपी सरकार ने यह भी ठान लिया कि इन्फ्लेशन बढ़ाई जाए यानी कि महंगाई बढ़ाई जाए। हिंदुस्तान में जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम से लिंक्ड हैं, यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान का पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो हमारे देश में, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी उठक पटक के बाद आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लोएस्ट हैं पिछले 15 साल के, बीते 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आ गए हैं और हमारे पेट्रोल डीजल के दाम इस सरकार ने घटाए नहीं बल्कि बढ़ाते गए। आज भी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से ₹3 एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के दाम पे बढ़ा दी गई। जब मोदी जी सरकार में आए थे मई 2014 में, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम थे, उन दामों से आज की अगर आप आज के दामों की तुलना करें तो लगभग 55% की गिरावट है। यानी कि जब मोदी जी सरकार में आए थे, भाजपा की सरकार बनी थी, तो भारत देश जब कच्चा तेल खरीदता था तो 55% ज्यादा दाम पे खरीदता था आज के मुकाबले। यानी कि जब भारत देश का कच्चा तेल खरीदने का पूरा बिल, पूरा खर्च 55% से घट गया, तो क्या जो आपकी और हमारी गाड़ी, स्कूटर, बाइक में पेट्रोल डीजल डलता है वो 55% से नहीं घटना चाहिए था? वो भी घटना चाहिए था। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तेल में बढ़ते हैं दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसी हिसाब से हमारे दाम भी बढ़ते हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरते हैं तो हमारे दाम भी गिरते हैं। जब 55% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में आई, तो क्यों नहीं मोदी सरकार ने वो लाभ आपको और हमको दिया? यदि मोदी सरकार ये लाभ आपको देती तो कच्चे तेल के दामों को अकाउंट फॉर करने के बाद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो डॉलर का है उसको अकाउंट फॉर करने के बाद दिल्ली के अंदर इस समय क्या रेट होना चाहिए था? अगर ईमानदारी से यह सरकार चलती तो क्या रेट होना चाहिए था वो मैं आपको बता देता हूं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो दाम घटे उसका बेनिफिट अगर यह सरकार आपको देती तो दिल्ली में पेट्रोल 39.76 रुपीस पर लीटर पे मिल रहा होता। ध्यान से सुन लीजिए, जो पेट्रोल आप 69 रुपीस का खरीद रहे हैं पर लीटर, वो 39 रुपीस पर लीटर पे खरीद रहे होते, यानी कि 30 रुपए की बचत आपकी होती प्रति लीटर खरीद पर। मैं दोहरा देता हूं, आप कह रहे हैं तो, आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल खरीदने का रेट है 69.87 रुपीस पर लीटर। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों की गिरावट को मोदी सरकार आपको देती, उसका लाभ आप तक पहुंचाती, तो वो पेट्रोल पर लीटर आपको आज 39.76 रुपीस में मिलता, यानी कि 69 से घटकर 39 पे 30 रुपए की सीधी बचत आप सबकी होती। डीजल पे आ जाइए, यदि यही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई गिरावट जो 15 साल की सबसे निचले स्तर पर आ गया है क्रूड ऑयल, अगर इसकी लाभ, इसकी छूट अगर जनता को दी जाती तो आज डीजल जो आप दिल्ली में बाहर पेट्रोल पंप पे खरीदते हैं वो 62 रुपए पे खरीदते हैं, 62.58 रुपीस पर लीटर, वो आज घटकर 31 रुपए पे आपको मिलता, 31.58 रुपीस पर लीटर। यानी कि पेट्रोल 69 रुपीस से घटकर 39 रुपीस पर और डीजल 62 रुपए से घटकर 31 रुपए पर आपको मिलता साथियों। लेकिन इस सरकार ने यह लाभ आप तक नहीं पहुंचाया, इस सरकार ने यह बेनिफिट आप तक नहीं पहुंचाया। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी की पूरी पेट्रोल और डीजल की जो व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। नवंबर 2004 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम थे पेट्रोल डीजल के, क्रूड ऑयल के, नवंबर 2004 में वही दाम आज हैं। यानी कि 15 साल पहले जिस दाम पे भारत देश खरीदता था
उसी दाम पे हम आज खरीद रहे हैं, तो रेट भी वही वाले होने चाहिए थे। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती बयान में बताया आपको कि 12 से अधिक बार पिछले 6 सालों में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर आपकी जेब काटी, वो पैसा जो इन्होंने बढ़ाकर एक्साइज ड्यूटी आपसे लिया, उससे मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 16 लाख करोड़ का खजाना अपने लिए बनाया है साथियों, 16 लाख करोड़ का खजाना। यदि ये 16 लाख करोड़ आज जनता पे नौछावर कर दिए जाएं, तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे ये आप सोच सकते हैं। 16 लाख करोड़ का खजाना इन लोगों ने अपने लिए बनाया है। अगर ईमानदारी की बात करें तो जैसे आज से पहले होता था, हर सरकार करती थी, जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते, जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं डीजल पेट्रोल के दाम घटते रहते। एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा, आज आंकड़े मैं ज्यादा दे रहा हूं लेकिन आप लोगों के लिए ये सारे आंकड़े जानने बहुत आवश्यक है। जब बीजेपी की मई 2014 में सरकार बनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, जब बीजेपी की 2014 में सरकार बनी थी तब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 56 पैसे, यानी कि डीजल प्रति लीटर जो आप खरीदते थे उस पर 3 रुपए 56 पैसे आप सरकार को एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से देते थे। आज वो बढ़कर 18 रुपए 80 पैसे हो गया है। 3 रुपए 56 पैसे से इस सरकार ने उस एक्साइज ड्यूटी को 18 रुपए 80 पैसे कर दिया। साथी आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा डाका मोदी सरकार ने आप सबकी जेब पे डाला है। पेट्रोल पर आ जाते हैं, जब भाजपा की मई 2014 में सरकार बनी तब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर मात्र 9 रुपए 40 पैसे थी, 9 रुपए 40 पैसे। आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2020 मार्च में 22 रुपए 90 पैसे है, 22 रुपए 90 पैसे, 9 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 22 रुपए 90 पैसे तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। यही एकमात्र उपलब्धि है सरकार की कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। हम आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र में बैठी सरकार से स्पष्ट यह मांग करते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो 55% की गिरावट आई है, जो आज 15 साल में लोएस्ट प्राइस पहुंच गया है कच्चे तेल का, उसका सारा का सारा लाभ जनता को दीजिए और पेट्रोल और डीजल को, जैसे कि मैंने कहा, पेट्रोल को 39 रुपीस पर लीटर पर और डीजल को 31 रुपए पर लीटर पर जनता को दिल्ली में मुहैया कराइए। और इसी के साथ साथ 16 लाख करोड़ का आपने जो खजाना तैयार किया है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर और लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरते दामों की राहत ना देकर, जो 16 लाख करोड़ का खजाना आपने बनाया है, वो 16 लाख करोड़ का खजाना भी जनता पर लुटाकर डीजल और पेट्रोल के दामों को और कम कीजिए, और कम से मतलब 39 और 31 से भी कम करिए आने वाले समय में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जिनको इस इकोनॉमी की जानकारी है, वो आज हम पर हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम पर इसलिए हंसते हैं कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था हमारे देश में उत्पन्न हो गई है जहां जहाज उड़ाना सस्ता है लेकिन अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना बाइक, अपनी मोटरसाइकिल चलानी महंगी, जहां जहाज आप सस्ते दाम पर उड़ा सकते हो क्योंकि एविएशन फ्यूल सस्ता है लेकिन डीजल पेट्रोल एविएशन फ्यूल से भी महंगा है, गाड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाना आपके लिए महंगा है,
जहाज उड़ाना आपके लिए सस्ता है। यह अर्थव्यवस्था इस देश की इस भाजपा सरकार ने बना दी। इस जन विरोधी सरकार जिसने केवल और केवल जनता को लूटने का काम किया है, उन्हें अब हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि सारा का सारा जनता का हक लाकर जनता को दो, जनता का हक लाकर जनता के सामने रख, सारा का सारा 16 लाख करोड़ जनता को दो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो दाम घटे हैं उन सारे जो दाम घटे हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचाओ। दिल्ली और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का काम भाजपा सरकार करे, यह हमारी चेतावनी आज बीजेपी की सरकार। यदि इस संदर्भ में किसी का कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बताएं। सरकार ने कहा कि जो 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या लगता है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम एकदम निचले पायदान पर पहुंचे हैं पिछले 15 सालों में, कंपनियों को जो उससे प्रॉफिट होने वाला था उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कटौती की गई कंपनियों और सरकार दोनों की प्रॉफिट के लिए? ये कहना कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं 3 रुपए से लेकिन जनता पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आपने कल जिस दाम पे दिल्ली में डीजल और पेट्रोल खरीदा था आज उसे 3 रुपए अधिक दाम पे मिल रहा है बाहर पेट्रोल पंप पे जाके खरीद लीजिए, तो जनता पे तो सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूं, आज मैंने राजनीतिक बात कम कर आंकड़े ज्यादा दिए आप लोगों को और आप लोग ये छापिए दिखाइए कि ये सरकार जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये सरकार जब आई थी तब डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी, वो बढ़ाकर आज 18 रुपए 80 पैसे कर दी, तो किसकी जेब से गए 15 रुपए हर लीटर पे? आप और हम दे रहे हैं 15 रुपए हर लीटर पर। पेट्रोल पर आ जाइए, 9 रुपए 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी मई 2014 में जब ये सरकार आई थी, आज वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 22 रुपए 90 पैसे कर दी, तो कौन दे रहा है वो 13 रुपए 14 रुपए जो एडिशनल आ गया? आप और हम, आपकी हमारी जेब से जा रहा है। तो ये सरकार केवल झूठ प्रोपेगेंडा करके लोगों का ध्यान भटकाती है और इसीलिए रोज नई नई तरीके से देश की जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास, नई शिगुफे छोड़ना, इवेंट करना, नारे देना, और आप तो जानते हैं ये क्या क्या कराते हैं, वो सारे काम कराना ताकि लोग अर्थव्यवस्था पर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर सवाल ना पूछें, यही इनकी मंशा। मैं तो कह रहा हूं आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं तो चेतावनी दे रहा हूं बीजेपी सरकार को, इट इज अ वार्निंग कि आप 2004 में जो क्रूड ऑयल के दाम थे उस दामों पर आप खरीद रहे हो तो वही रेट लाकर दो। और मैंने आपको रेट भी बता दिया कि इस रेट पर कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया गिरा है और डॉलर महंगा हुआ है उसका भी अकाउंटिंग करके मैं इस रेट पे पहुंचा हूं। लेकिन जो जानकार है उनका ये कहना है कि जो अर्थव्यवस्था में अभी कमी आई है, सुस्ती आई है, जो कमजोरी आई है, उसको इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के रोजगार छिन गया, बेरोजगारी का आलम है, लोगों के व्यापार बिजनेसेस ठप हो गए हैं, जो कॉलेज से लोग पास हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पास हो रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, घर में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी गिर गई है और हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस माहौल में सरकार को जनता की जेब में ज्यादा पैसा देना चाहिए कि वो अपना घर चला सके, ना कि टैक्स बढ़ाकर जनता से वसूलना चाहिए। ये तो वो लीच की तरह है जो खून चूसे जा रहे हैं, लीच की तरह चिपक गए हैं और रोज खून चूसे जा रहे हैं, इंसान खोखला होता जा रहा है, ये सरकार कर रही है।